में सो जानती और प्रीत किए दुख हो नगर ढिंडोरा पीटती सखी प्रीत न करियो को किए प्रीत करे जो तो प्रीत निभाइए नहीं बेसक रहिए तू। एक छोटी सी वंदना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उसके बाद में अपने वही प्रसंग जो कि पहले दौर में छोड़ के गए थे। हो गिरधारी और रख लाज हमारी कृष्ण मुरारी हे बनवारी हो गिरधारी रख लाज हमारी गिरवर धारी कृष्ण मुरारी हे बनवारी जग के पालनहार और तोरी महिमा अपरंपार तुम जग के पालनहार तोरी महिमा अपरंपार हो गिरधारी रख लाज हमारी गिरवर धारी बनवारी सा हो गिरधारी रख लाज हमारी गिरवर धारी कृष्ण मुरारी हे बनवारी सा। अब आपके सामने वही प्रसंग है जो कि पहले भाग में चल रहा था। अब अपने दिमाग को लगाएंगे, जब राजा रोमपाद ने अपनी बेटी कौशल्या की जगह पे अपने मंत्री सुमंत की बेटी का विवाह सुमित्रा का विवाह राजा दशरथ के साथ में कर दिया। जैसे ही बताया है कर दी विदाई भूप ने रथ में सुता बैठार कर बारात तब चलने लगी अज पुत्र की जय जय कार कर सरयू पे सूरज झल गया होने को आई शाम है दशरथ तभी कहने लगे कर लो यही आराम है। अब आगे देखिए राजा दशरथ को सरयू के किनारे शाम का वक्त हो जाता है तो क्या करते हैं। सो भैया ओ ये डार पड़ाब और दियो सरयू पे और भान अस्त है आयो है और करन हेत स्नान भूप ने जल में पैर बढ़ायो है में
ये भजन जिक्र का कार्यक्रम पंडित रोहतास चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रहा है, जिसके गायक हैं रामवीर सिंह असवाड़ा, ढोलक प्रसाद दे रहे हैं भैया पिंटू बोल से, और पेड़ पर संगत कर रहे हैं भैया भरत शर्मा जी। सुनिए चार लाइनों में कवि क्या कह रहे हैं। मैंने केस अनेकों देखे हैं पर द्रौपद जैसे केस नहीं, मैंने और मैंने भेष अनेकों देखे हैं पर साधु जैसा भेष नहीं, साधु जैसा। ये कलेश अनेकों देखे हैं पर घर के जैसा कलेश नहीं, कलेश अनेकों देखे हैं पर घर के जैसा कलेश नहीं। मैंने देश अनेकों देखे हैं पर भारत जैसा देश नहीं, देश अनेकों देखे हैं पर भारत जैसा देश नहीं। जैसे राजा दशरथ को सुबह का वक्त हुआ तो सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन लिखा है कि लीला निराली है तेरी पाता न कोई पार है, और संदूक वो ही आ रही बहती हुई मझधार है, जिसमें कि रावण ने कौशल्या को बिठा करके सरयू नदी में बहाया था। अब आगे देखिए क्या होता है। ये लई संदूक निकार नदी की और पार लाए के तोरी, यम सुंदर सुगढ़ स्वरूप सो मिली एक छोरी, सुंदर सुगढ़ स्वरूप सो मिली एक छोरी। हल्दी से तन लाल हल्दी से तन लाल कहे भूपाल भयो ये कैसे भैया, हल्दी से तन लाल कहे भूपाल भयो ये कैसे, और हे तू कोने करके बंदरी पैदल जल में ऐसे रे ऐसे कौन करके बंदरी बहाय दिए ऐसे। देखिए जैसे ही राजा दशरथ ने संदूक को देखा तो संदूक को निकाल लिया, और जैसे ही संदूक को खोलने का प्रयास किया तो क्या हुआ। जल से निकाली पेट का और खोली नदी के पार पर, अचरज में सभी पड़ गए बाला का रूप निहार कर, थी बंद मानो चांदनी और लग कर हुए सब मौन, दशरथ तभी कहने लगे बदला तू देवी को
कौन है। जैसे ही उसमें से एक सुंदर युवती निकलती है, राजा दशरथ ने पूछ लिया क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ की तुम रहने वाली हो। तो आगे देखिए वो युवती अपना परिचय दे रही है, कैसे सुनिए। और कौशलपुर ओ और कौशलपुर धाम है प्यारो और कौशल्या नाम हमारो और कौशल्या नाम हमारो और कौशलपुर धाम है प्यारो। अरे शादी को हरद चढ़ाई और शादी को हरद चढ़ाई और बारात अवध ते शादी को और बारात अपते कौशल्या ने कह दिया महाराज मेरा नाम कौशल्या है, कौशलपुर की रहने वाली हूँ। जब राजा दशरथ ने गहराई से पूछा फिर इस नदी में बहने का कारण क्या है, तो आगे देखिए वो कौशल्या क्या कहने लगी। ए दुष्ट लंग काकोरा बड़ रे और मंदिर ते लायो उठा, दुष्ट लंग काकोरा बड़ रे और मंदिर ते लायो उठा, दुष्ट लंग पूरा माजरा बता दिया कि महाराज मुझे लंकापति रावण ने सरयू में बहाया है। जैसे ही राजा को मालूम हो गया कि इसका नाम कौशल्या है, तो फिर आगे देखिए राजा के मन में एक चिंता होती है, वो क्या सुनिए। सो भैया सकत भये भूपाल रथ से बुलवाई, सुमित्रा रथ से बुलवाई, सुमित्रा रथ से बुलवाई, सुमित्रा रथ से बुलवाई।
बतलाए नाम क्या है असली तेरा और दे साच साच बतलाए हो नाम क्या है असली तेरा दे साच साच बतलाए। जैसे ही राजा सुमित्रा के पास में गए, अब सुमित्रा से पूछा गया जब ये कौशल्या और कौशलपुर की रहने वाली है, राजा की बेटी भी बन रही है, लेकिन आप कौन है, भला मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ। तो आगे देखिए सुमित्रा क्या बोली। के नाम सुमित्रा और नाथ मेरो और मंत्री तात लगे मेरा लौट रही बारात आपकी तो जाते डार दिए तेरा स्वामी जाय बनाए लो रानी है दासी मो समझ के स्वामी सो भैया दासी मो समझ के स्वामी जाय बनाए सुमित्रा ने बता दिया महाराज मैं मंत्री की बेटी सुमित्रा हूँ और हकीकत बात तो यह है ये राजा की बेटी कौशल्या है और आपके रानी बनने की हकदार कौशल्या ही है। मैं तो भला अपना जीवन यापन दासी बनकर के ही काट लूंगी। आगे देखिए राजा ने जब इतना सुझाव सुना तो क्या बोले। की शादी रचाई भूप ने और नभ में हुई जयकार है देवता हर्षित हुए अब हो जाएगा उद्धार है जब मालूम हुआ लंकेश को तो छाया हृदय में शोक है खल ने बुलाया पास में एक दाढ़ी वाला भोक है। जैसे लंकापति रावण को मालूम हुआ कि कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ में हो गया है तो एक दैत्य को अपने पास में बुलाया और सरयू नदी पर भेज दिया। आगे देखिए क्या होता है। कि सोए रहे अब दे सोए रहे अब देश कि सोए रहे अब देश और भयानक भेष असुर धर आयो सरयू के पहुंचो तीर रे खौफ ना खायो सोए रे
देखा नारनेसुर को वो धैर्य अपना खो रही, कैसे जगाऊं नाथ को वो धैर्य अपना खो रही। रानी विचार करती है महाराज नींद में सोए हुए हैं और ये दैत्य यहाँ आतंक मचा रहा है। आगे देखिए क्या हुआ। रानी राजा दशरथ को जगाने का प्रयास कर रही है, कैसे सुख पायो तरुण भयो त्रिया संग लेटो पर लेटत लेटत नाय अघायो के क्षीर सागर में ले तन्हारे को नाम जुबा पे कबहू न लायो अब लेटत लेटत लेट भयो तेरो चिताप लेटन को दिन आयो। रानी ने क्या कहा सुनिए। हो घना दिन हो घना दिन सोलियो रे हो घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन ओ जाग मुसाफिर जाग रे बंदे जाग मुसाफिर जाग हो जाग मुसाफिर जाग रे बंदे जाग मुसाफिर जाग घना दिन ए घना दिन ओ घना दिन सोलिया रे अब तू जाग मुसाफिर जाग पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पाम पसार हो पहले सोया ओ पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पाम पसार करके कॉल करके काल तू बाहर निकलो हरण दियो रे विसार जन्म थारो ए जन्म थारो हो जन्म थारो हो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग घनादन सो लियो वैसे ये भजन काफी बड़ा है, रिकॉर्डिंग बड़ी होने के खातिर इसलिए केवल दो यंत्र सुनाऊंगा। हे तू जा सोया मात गोद में हस हस दंत दिखाए तू जा सोया ओ हस हस दांत दिखाए भुआ भाटी सब मिलजुल के
मुसाफिर जाग जाग मुसाफिर जाग रे बंदे जाग मुसाफिर जाग घनाद ने ए घनाद ने सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग घनाद ने सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। रानी के काफी प्रयास करने के बावजूद भी राजा की निद्रा नहीं टूटी तो रानी ने एक अंतिम उपाय सोचा और क्या किया। अरे अत ख्याल नार ने किए और फिर जल के छींटा दिए और उठायो और रानी ने असुर बतायो और रानी ने असुर बतायो जैसे ही राजा दशरथ की निद्रा टूटी तो रानी ने उस दुष्ट की तरफ इशारा कर दिया तो राजा ने क्या किया सुनिए। भूपन तेगाल के अरे तेगाल के रे हाथ में तलवार को लेकर के उस दुष्ट का खात्मा कर दिया। आगे देखिए उड़ान में क्या हो रहा है। सो भैया गए अबदो में आए और नगर में खुशियां छाए रही और नगर में खुशियाँ छाए रही नगर में खुशियाँ छाए रही एक कामनी कामनी मंगल गाए रही कामनी मंगल
गाए रही एक कामनी मंगल गाए किसी कवि ने एक छोटी सी ठुमरी लिखी है कैसे समापन। अब एक छोटा सा गाना। एक समय की बात है, एक समय उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। जैसे ही उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण उदास चेहरे से बैठे हुए थे। उद्धव जी ने पूछ लिया, महाराज आपके उदासी का कारण क्या है? तो आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं। ये ब्रत छूटो मन रह गयो और मन हूं मेरो उदास माया सुदा की याद में मुझे भूख लगे क्या बोले भगवान श्री कृष्ण ओ उधो तुम मैया सो कहियो हो तेरा और लाला तो के पावे मैया सो कहियो हो तेरा लाला तो के अचला पहुँच सुखाबर उदो कोई नम धोबतता तो जल अचला पहुँच सुखाबे आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं ये माखन रोटी हाथ में लेके बुलावे मैया सो कहियो हो तेरो लाला दुख पावे मैया सो कहियो
नंद बाबा मेरी पकड़ उंगरिया चल मोरो नंद बाबा मेरी ओ नंद बाबा मेरी उंगली कह के चल मोरो ओ तो